आज के इस जनसभा में मेरे साथ उपस्थित भारत सरकार में मंत्री बहन शोभा कर्ण लाजे जी, हमारे बहुत ही होनहार प्रत्याशी श्री दीपक डोडैया जी, हमारे कैंडिडेट, हमारे डीएस अरुण जी, हमारे एमएलसी एम के प्रणेश जी, कमल रुद्रप्पा जी डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट, जे एस रघु जी, सतीश गर्ग जी, प्रेम कुमार जी जो मंडल के इलेक्शन के इंचार्ज हैं, और यहाँ कलसा में एकत्र आए हमारे माताएं, बहनें, बुजुर्ग, नौजवान साथी और मीडिया के मेरे साथी, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मेरे साथी। मेरा यह सौभाग्य है कि मुझे आज कलसा में दीपक डोडैया जी के लिए बोलने का अवसर मिला है और आप सब लोग इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर एकत्र आए हैं। थोड़ा समय का, क्योंकि मुझे बताया गया कि 2 बजे तक का परमिशन है, इसलिए मैं 10-12 मिनट में जो बोल सकूंगा वो ज़रूर बोलूंगा। चुनाव के दृष्टि से जो मुद्दे हैं वो सबसे पहले मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। यह चुनाव सिर्फ दीपक का नहीं है, यह चुनाव शोभा जी का नहीं है, यह चुनाव हमारे डीएस अरुण जी का नहीं है, प्रणेश जी का नहीं है। यह चुनाव, इलेक्शन इज ऑफ द फ्यूचर ऑफ कर्नाटका, ये कर्नाटक के भविष्य का चुनाव है। सबसे पहले आप इस बात को समझ लीजिए। समय पर सही फैसला करते हैं तो सही नतीजे आते हैं। इफ यू टेक राइट डिसीजन एट द राइट मोमेंट, राइट रिजल्ट्स कम। इफ यू टेक एट द राइट मोमेंट रॉन्ग डिसीजंस रॉन्ग रिजल्ट्स कम। आज जब हम डबल इंजन की सरकार बोलते हैं तो डबल इंजन का मतलब क्या है? डबल इंजन का मतलब है कि जो नीति प्रणीति मोदी जी भेजते हैं उसको जमीन पर इंप्लीमेंट करते हैं येडोरप्पा जी और बोम्मई साहब, उसको जमीन पर इंप्लीमेंट करते हैं तो वह डबल इंजन की सरकार कहलाती है, वह डबल इंजन की सरकार बनती है। अब डबल इंजन का फायदा क्या है? डबल इंजन का फायदा है कि 1,00,000 करोड़ रुपए आज आपको दिल्ली से सड़क बनाने के लिए मिला है। कितना? 1,00,000 करोड़ रुपए। 19,000 किलोमीटर आपकी सड़क बनी थी, 19,000 किलोमीटर, नाउ इट हैज बीन एक्सटेंडेड टू 29,000 किलोमीटर सड़क कर्नाटक की धरती पर बना है। इस बात को समझ, जिस पर आप चलते हैं जिन सड़कों पर, ऐसे ही नहीं बन जाता। सही जगह जब बटन दबता है तब जाकर के सड़क बनता है, गलत जगह अगर बटन दबता है, गलत जगह दबने से भ्रष्टाचार हो जाता है, अनायास आप नुकसान में पड़ जाते हैं। अब डबल इंजन चाहिए क्यों? इसलिए चाहिए, मैं आपके सामने बताना चाहूंगा कि अगर हम बात करें तो देश में अगर 12 करोड़ टॉयलेट्स बनते हैं तो 46 लाख टॉयलेट्स कर्नाटक में बनते हैं, यानी कर्नाटक में महिलाओं को इज्जत घर देने का काम करते हैं तो मोदी जी करते हैं और जमीन पर येडियुरप्पा और बोम्मई जी उतारते हैं। इस बात को हमको समझना चाहिए। उसी तरीके से आपको जानकर के खुशी होगी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में कर्नाटक नंबर 1 पर खड़ा है। क्यों? क्योंकि सही लोग सही समय पर काम कर रहे हैं। आप क्या बताइए, टुमकुर में इंडस्ट्रियल कॉरिडोर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आप बताइए, आप क्या टुमकुर में एचएएल का हेलीकॉप्टर की फैक्ट्री लग रही है कि नहीं लग रही है?